हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये ड्रम स्टिक है, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप एक बार इस तरीके से मेरे तरीके से सब्ज़ी बनाओगे तो आप यकीन मानिए बच्चे बूढ़े सब बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक फली लेंगे, एक सहजन की फली लेंगे और उसे ऐसे इस तरह से छीलेंगे। छीलना ज़रूरी है फ्रेंड, नहीं तो हमें खाने में दिक्कत आएगी। तो इस फली को सबसे पहले छील लेंगे। छीलने के बाद हमें इस तरह से कट करना है। कट यानी आप अपनी साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा आप काट सकते हो। इस तरह से हम सभी सहजन की फलियों को छीलकर और काट लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने सारी सहजन की फलियों को काट लिया है। सब्जी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम दो आलू को छील लेंगे और लंबा लंबा काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम आलू और सहजन की फली को हमने काट लिया है, अच्छे से धो लिया है। अब अगले प्रोसेस की ओर चलेंगे। गैस को ऑन करेंगे, उस पर एक कढ़ाई रख देंगे। उसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही यह सब्जी स्वाद बनती है। और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अब हम सहजन की फली को डाल देंगे और 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। अच्छे से फ्राई हो गया है, हम इसमें आलू डाल देते हैं और अब हम दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसे हम ढककर 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। और दूसरी तरफ हम मसाला तैयार करते हैं। मसाले में एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम डालेंगे पीली सरसों 1 चम्मच, 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे खड़ा जीरा, और हम थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे, अगर आपके पास खड़ी है तो वो डालिए, और 15-20 लहसुन की कलियाँ डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब हम सब्जी को चेक कर लेंगे। देखिए सब्जी में अच्छे से कलर आ गया है आलू और सहजन की फली में। और इसके बाद हम इसमें ग्राइंड किए हुए मसाले को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और एक दो ढक कर 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब उसी जार में हम 2 टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए टमाटर हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें सूखे सब्जी में सूखे मसाले डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ग्राइंड किए हुए टमाटर को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। वही सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा। एक बार अगर आपने खा लिया तो अब इसके दीवाने बन जाओगे। आप सोचोगे हर बार यही सब्ज़ी बनाऊं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे रोटी पराठे के साथ खाइए। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी वाली चाहिए तो थोड़ा सा इसमें पानी और डाल दीजिए तो ये ग्रेवी वाली हो जाएगी। ये सब्जी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बच्चों ने भी अगर इसे खा लिया तो वो बार बार इसे मांगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।